आगे जाओगे तो पुणे जाओगे और इधर औरंगाबाद जाओगे। मैं दोस्त लगा हुआ है ये बाटल, ये भाई सब यहाँ पे। तो ये बाटल का कितने लेते हैं आप, मतलब एक बाटल का कितना लेते हैं प्राइस? 25। अरे झुग्गी झोपड़पट्टी है और ये आपको देखने को मेरे देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक सामने मस्जिद। ये भाई मस्जिद का नाम क्या है? मोहम्मदिया मस्जिद। 52 हाईवे पे हूँ औरंगाबाद और सोलापुर रोड पे। मैं आपको पूरे दिखाते हुआ आप देख सकते हैं, आपसे काल की मदद करावा, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग वीडियो, एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों मैं आज की ब्लॉग शुरुआत कर रहा हूँ औरंगाबाद के एक छोटे से गांव जिसका नाम है वाड़ी। और मैं अभी जिस जगह हूँ ना दोस्तों, इसमें पुणे नेशनल हाईवे है और ये जो छोटा सा वाड़ी गांव है ना, मैं इसी जगह पर रुका था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये है नेशनल हाईवे और यहाँ पर आप देख सकते जो गाड़ियाँ जो चलती है ना वो कितनी रफ्तार में चलती है। ये है नेशनल पुणे हाईवे रोड और मैं उस ढाबे पर रुका था रात में। और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी गांव है और यहाँ पे एक सामने खूबसूरत सा मस्जिद है और यहाँ पे देख सकते हैं झुग्गी झोपड़पट्टी है और एक छोटा सा गांव है। मुंबई पुणे हाईवे रोड इसी पे हूँ और इस रोड पे ना गाड़ियाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस रोड पे कितनी स्पीड में गाड़ियाँ चलती है। और मैं अभी जिस गाँव में ना वो गाँव आपको एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। आज की ब्लॉग होने वाली है औरंगाबाद की रोड ट्रिप, पूरा मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, ट्रैवल करते हैं तो फ्री में कैसे ट्रैवल करते हैं? तो फ्री में हर जगह आप ट्रैवल नहीं कर सकते, हर जगह फ्री आप नहीं कर सकते, कहीं कहीं आप फ्री कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा फेमस हो जाओगे तो फ्री में कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि रोड पर देखो कितनी रफ्तार से यहाँ पर गाड़ियाँ चलती है। ये है मुंबई पुणे हाईवे रोड और सामने एक फ्लाई ओवर ब्रिज काफ़ी खूबसूरत है। उधर आगे जाओगे तो पुणे जाओगे और इधर औरंगाबाद जाओगे। मैं दोस्त से मिलने यहाँ पे आया था वाड़ी गांव में, तो इस गांव को एक्सप्लोर करूँगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह आपको ना छोटी छोटी झुग्गी झोपड़पट्टी देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ये है औरंगाबाद की वाड़ी गांव और ये है सलम एरिया। फिल्टर होती पानी को, अभी इसको मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर कैसे पानी वगैरह फिल्टर होते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, इधर टंकी वगैरह लगे पानी भर रही है और यहाँ पर देख सकते हो पूरा लगा हुआ है बाटल, ये भाई सब यहाँ पे। तो ये बाटल का कितने लेते हैं आप, मतलब एक बाटल का कितना लेते हैं प्राइस? 25। मतलब कोल्ड मिलता है? हाँ 25। कितने दिन से चला रहे हो ये? 20 20 रुपये। ये भाई गाड़ी से छोड़ते हैं ना, बिस्लेरी वगैरह जो छोटा आता है 1 लीटर का, वो भी रखते हो क्या? 1 लीटर वाला नहीं रखते। तो 20 लीटर वाला 15 लीटर। कितने दिन से चला रहे हो आप ये? 20 साल से चला रहे हो। 20 साल से? आप ही खोले थे या आपके कोई, आपके अबू खोले थे? नहीं नहीं, हम नहीं खोले, आप ही खोले थे। फिल्टर वगैरह मशीन लगी है, ये देख सकते हो यहाँ पे, इधर देख सकते हो यहाँ पे लिखा है माशाल्लाह। यहाँ पे मोटर वगैरह लगा, तो इसके अंदर सैंड रहती है। सैंड पानी के अंदर डालते हैं ना? नहीं, ये इसके अंदर सैंड रहती है, इसके अंदर सैंड के अंदर पानी फिल्टर होता है, पानी टाइप में सैंड रहती है, पानी फिल्टर होती है। और ये सब ये मशीन क्या बताते हैं? वो जो दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इसका कंट्रोलर पैनल है। हाँ, इसमें जो है तो सैंड है 3 टाइप। हाँ, और इसमें जो है तो कार्बन है। हाँ, इसके बाद में माइक्रोन फिल्टर है, इसके बाद में वो मेम्ब्रेन है। हाँ, इसके अंदर जो पानी फिल्टर होता है वो हाई प्रेशर पंप है, ये है ना इसका ऑटो, खुद का ऑटो है ना आपका? ये खुद का ऑटो और ऑटो से ये डिलीवरी करते हैं पानी। एक छोटा सा गांव वाड़ी देख सकते हैं, यहाँ पे भी छोटे छोटे घर है, झुग्गी झोपड़पट्टी है और ये आपको देखने को मेरे देख सकते हैं। ये यहाँ पे एक सामने मस्जिद। ये भाई मस्जिद का नाम क्या है? मोहम्मदिया मस्जिद। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहाँ पे कोई फेमस टूरिज्म प्लेस है क्या नज़दीक में? नहीं नहीं। कितना दूर जाना पड़ेगा? गाँव में जाना पड़ता। गाँव में? और इधर औरंगाबाद के साइड में कोई फेमस टूरिज्म प्लेस? आप हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम? आप पढ़ाई करते हो या कैसे घूरते हो? क्या 10 पास हो गया? अभी क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, मिस्त्री खाते ले जाते मिस्त्री करते हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे ना ये नज़दीक में कोई भी टूरिज्म प्लेस नहीं है, हमको अगर टूरिज्म प्लेस जाना पड़ेगा ना तो औरंगाबाद जहाँ पे मैं आया था ना वहाँ तक जाना पड़ेगा टूरिज्म प्लेस दिखाने के लिए। तो मैं एक छोटा सा गाँव था। यहाँ पे कुल कितनी आबादी होगा?
अभी क्या 10-15 गाड़ी, 10-15 मात्र। देख सकते ड्राइवर बन गया और रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ, भाई का गाड़ी है। और मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे टूरिज्म प्लेस कहाँ कहाँ है, तो बोलते हैं यहाँ औरंगाबाद जाना पड़ेगा। तो मतलब मैं जहाँ से मैं रात में आया था वहाँ पे फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं अभी रोड पे हूँ, देख सकते हैं मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये भाई का गाड़ी है, वहीं मैं जा रहा हूँ। और पूरा मैं आपको यहाँ का जो ना औरंगाबाद का एक गाँव भी घुमाने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ धूले 215 किलोमीटर है, यहाँ के गाँव भी अजीब अजीब नाम है। और ये देख सकते हैं पूरा ये वो साइड का जो डिवाइडर है ना रोड का, हाईवे का, उसमें फूल वगैरह लगाया हुआ है बहुत सारा। देख सकते हैं उसका ट्रेवल है ना, बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि आज गाड़ी भी मिल गया है और भाई का गाड़ी है तो चला रहा हूँ। तो आपको रोड ट्रिप यहाँ का जो है औरंगाबाद तो आपको पूरा शेयर करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं भाई भी साथ में चल रहे हैं और ये जो मैं बताया था ना दोस्त, ये सब मेरे दोस्त हैं, साथ में चल रहे हैं, मुझे अभी घुमा रहे हैं यहाँ की अपने शहर अपने घुमा रहे हैं। देख सकते हैं थोड़ा जो आपको दिख रहा है ना, देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया आपको देख रहा है, देख सकते हैं। और मौसम भी बहुत ही सुहाना है दोस्तों, बादल किया है और अभी थोड़ा थोड़ा मध्यम बारिश हो रहा था। और मुंबई में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है लेकिन यहाँ पे बहुत कम बारिश हो रही है। ये जो हाईवे ना, हाईवे के जो ऊपर जो डिवाइडर है, डिवाइडर में देख सकते हैं फूल वगैरह पौधे वगैरह पूरा लगाया हुआ है। देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के फूल लगाए हैं वो डिवाइडर में। और इस हाईवे में जितनी भी गाड़ियाँ चलती है ना वो गाड़ियाँ सब 80-90-100 के स्पीड में चलती है। देख सकते हैं कितना स्पीड जा रहा है। तो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो खेती वगैरह होता है ना कपास की, वो कैसी होती है, मैं आपको थोड़ा नज़दीक जाके दिखाता हूँ। देख सकते हैं मैं नज़दीक जा रहा हूँ, ये यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आपको यहाँ पे ये सब जो है ना दाल की, देख सकते हैं काफ़ी अभी छोटे छोटे पेड़ हैं अभी छोटे, और इसमें पूरा फल लगेंगे। ये पूरा आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, देख सकते हैं उधर गन्ना है और इधर देख सकते हैं दाल है, क्या क्या नाम है इन लोग पता नहीं उतना। और देख सकते हैं ये जो पूरा ज़मीन आपको दिख रहा है ना दोस्तों, पूरा खाली देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं पूरा खाली देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कौन है, ये सोयाबीन है दोस्तों, ये है सोयाबीन, मुझे पता नहीं था, ये भाई ने मुझे बताया कि ये सोयाबीन का फसल है। देख सकते हैं दोस्तों सोयाबीन का फसल है और पूरा वो गन्ना है ना सामने। हाँ, गन्ना आप लोग खेती करते हो क्या? हाँ, करते हो? पाँच एकड़। तो भाई भी खेती करते हैं इसीलिए इसको पता है कि ये क्या चीज़ का है। ये कितने दिन में लगते हैं? ये क्या पाँच से छः दिन लगेंगे। हाँ दिन। फिर उसका तेल बनता, मीठा तेल। हाँ मीठा तेल बनता है, यही इसी से मीठा तेल बनता है। हाँ, दोस्तों जो मुंबई में मिलता है ना मीठा तेल, इसी से इसका जो फर रहता है इसी से निकाल के मीठा तेल बनाया जाता है। देख सकते हैं पूरा आपको यहाँ पे पूरा देखने को मिला ना, देख सकते हैं ये पूरा एरिया बहुत ही बड़ा एरिया है और यहाँ पे पूरा आपको हरी भरी देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों सामने देख सकते हैं ना दोस्तों, ये सब जो आपको दिख रहा है ना ये मौसमी का खेती है। देख सकते हैं मौसमी का खेती पूरा यहाँ पे लगा हुआ है। इस एरिया में आपको हर तरह का खेती देखने को मिलेगा। देख सकते हैं सामने आपको पूरा मौसमी का पूरा बगान लगा हुआ है। देख सकते हैं और सब कच्चा, अगर पका रहता ना मैं तोड़ के आपको दिखाता। तो दोस्तों मैं अभी नेशनल 52 हाईवे पे हूँ औरंगाबाद और सोलापुर रोड पे, मैं आपको पूरा दिखाते हुए आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपके काल की मदद करावा, यहाँ इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, मैं आपको आइए दिखाता हूँ। दोस्तों ये रोड पे कभी आपका पेट्रोल खत्म हो गया या तो गाड़ी पंचर वगैरह हो गया तो इमरजेंसी में आप फोन कर सकते हैं। यहाँ पे हाईवे रोड पे ये बोर्ड लगा है, 1033 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं आप इमरजेंसी में, तो आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे बोर्ड लगा है, देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं रोड पे चलते बहुत दूर आ गया और लगभग दोपहर के 2 बजने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक सामने ढाबा है और ये सामने देख सकते हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप है और यहाँ एक सामने ढाबा है, तो यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं। और दोस्तों ये है ना पांचोट जगह है, देख सकते हो ये मार्केट है, मैं मार्केट में हूँ और ये मैं गाड़ी में ही हूँ। और जो भी था मैंने आज की ब्लॉग आपको पूरा दिखाया, रोड ट्रिप दिखाया, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ब्लॉग आपको पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।